बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 8th क्लास आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन जो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है कर रहे हैं, ये सेम हमने वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर जो है 6.5 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, प्रैक्टिस की है, सेम वैसे ही है। वही इसमें टाइप यूज़ होगी। टाइप कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी ये मैं राइट कर रही हूँ, इधर देखें ज़रा। जी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूला को हमने फॉलो करते हुए इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। जी देखें कैसे हम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखें 8th क्लास, आपने इसे इस तरह से राइट करना है। देखें यहाँ पे ये हमारे पास, आप इसे समझ लें, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है ये ए की फॉर्म में है और ये किसकी फॉर्म में है? बी की फॉर्म में है। तो इसी तरह से आपने ये, मैं आपने यहाँ पे ऊपर राइट नहीं करना क्वेश्चंस के, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है इसे ए समझ लें, सेकंड को बी समझ लें। तो आप यहाँ पे ये टाइप को जैसे उन्होंने इस हमारे पास जो टाइप ये फॉर्मूला है, जिस तरह उन्होंने इसे अरेंज किया है, आप भी इसे इसी तरह से अरेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 0.409, तो आप इसे इस तरह से राइट करें 0.409 माइनस 0.391। जी एक दफ़ा हम इसे जो है इसका जो है वो माइनस में राइट कर लेते हैं एक फैक्टर में, दूसरे में हम इसे प्लस में राइट करेंगे। 0.409 प्लस 0.391 जी डिवाइड बाय या ओवर 0.09 माइनस, सॉरी फोर भी आएगा यहाँ पे, 0. देखें दोबारा यहाँ से एक दफ़ा, ज़ीरो हम जो हमने रेंज की हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में, उसके बाद है ओवर, फिर है 0.409, फिर इसके बाद माइनस 0.391। अब ये देखें कि जो हमारे यहाँ पे फैक्टर है 8th क्लास, ये देखिए अब इसमें से जो कट हो रहे हैं हम उन्हें कट कर देते हैं। जैसे कि 0.409 माइनस 0.391 ये कट हो जाएगा किसके साथ? ये ऊपर वाले हमारे पास जो फैक्टर है इसके साथ कट हो जाएगा। बाकी जो है बच्चे वो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, वो है 0.409 प्लस 0.391। जी अब ये हमारे पास जो है नेक्स्ट इसमें ये शामिल है ये फैक्टर। तो अब ये देखें नेक्स्ट हमने जो काम करना है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। जी आपको जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर, उनको ऐड करना आपको आता है, तो अगर नहीं तो मैं एक दफ़ा भी बता देती हूँ कैसे ऐड करेंगे। हम इन्हें इस तरह से राइट करेंगे, देखें 0.409, पॉइंट की जगह पे पॉइंट ऐड करें, फिर 391 0। अब 9 + 1 किसके इक्वल होता है? 10 के। 0 1 कैरी, 9 और 1 क्या हो गया 10, 1 कैरी, 4 + 3 7 और साथ ये 8, तो पॉइंट ऐसे आ जाएगा और साथ ये 0। तो क्या हमारे पास जो आंसर है इसका वो ये है। जब हम 0.409 प्लस 0.391 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0.800। बच्चे ये इसका आंसर है। जी तो अब ये देखें नेक्स्ट डायरी जो है, डायरी चेक करें कि डायरी क्या है। काम जो आपने करना है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। बस 16 एंड 17 जो है ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 6.5। तो ये 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं, बाकी इसकी एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज जो है इसे आपने प्रैक्टिस करनी है घर में बहुत अच्छे तरीके से और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।